दरिया थाने में पकड़े गए एक कंटेनर शराब मामले में नामजद शराब धंधेबाज हुआ गिरफ्तार। अंतर्राज्यीय शराब धंधेबाज को रोहतास पुलिस ने किया गिरफ्तार। रोहतास पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि दरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आयर कोठा के समीप शराब मामले में अंतर्राज्यीय शराब धंधेबाज नीरज सिंह पिता राज बहादुर सिंह गांव चंदौली जिला चंदौली उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। विदित हो कि 16/6/2022 को दरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत आयर कोठा के समीप एक कंटेनर में दरिया थाने की पुलिस ने 2232 लीटर जहां अंग्रेजी शराब बरामद की थी वहीं नगद रुपये सहित दो शराब धंधेबाजों की भी गिरफ्तारी हुई थी। आइए सुनते हैं इस मामले में रोहतास पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा। रोहतास पुलिस के द्वारा शराब माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि दरिया थाना अंतर्गत दिनांक 10 तथा 11 जून की रात्रि में एक बड़ा कंटेनर जो पकड़ा गया था शराब के साथ, जिसमें 2232 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी हुई थी, उस मामले में एक मुख्य अभियुक्त जिसका नाम है नीरज सिंह, वो चंदौली जिला का रहने वाला है और उसको चंदौली में छुपे रहने की बात प्रकाश में आई। इस मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही थी, आसूचना संकलन की जा रही थी और पुख्ता आसूचना के आधार पर एक विशेष टीम गठित करते हुए जिसमें कांड के अनुसंधानकर्ता तथा पटना से मद निषेध विभाग की टीम एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी और बल को यहां से चंदौली भेजा गया और नीरज सिंह पेशर राज बहादुर सिंह उर्फ खरुल्ला सिंह साकिन चंदौली खुर्द थाना अलीनगर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पूर्व में भी दो शराब माफियाओं की गिरफ्तारी उस दिन घटनास्थल से ही की गई थी और ये तीसरे अभियुक्त की इसमें गिरफ्तारी की गई है। अभी तक जो अनुसंधान हुआ है उसमें यह पता चला है कि ये काफ़ी बड़ा शराब माफिया है और विगत कुछ वर्षों से लगातार ये यूपी से बिहार में शराब की सप्लाई कर रहा था, जिसपे कई सारे मामले दर्ज हैं। अभी तक हम लोग को जो जानकारी मिली उसमें कुल 14 मामले दर्ज हैं, जिसमें से इसी साल जगदीशपुर थाना क्षेत्र जो कि आरा में है वहाँ पे जगदीशपुर थाना कांड संख्या 288/22 भी दर्ज किया गया है, जिसमें से कुल 2607 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। सारण मुफस्सिल थाना कांड संख्या 336/22 दर्ज किया गया है, जिसमें 3972 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था तथा जो यहाँ पे दरिहट थाना में कांड दर्ज किया गया था उसमें से उसमें 2232 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। इस प्रकार से रोहतास पुलिस के द्वारा एक बड़े शराब माफिया की गिरफ्तारी की गई है और लगातार इस प्रकार के सभी जो शराब माफिया हैं उन पे विशेष निगरानी रखते हुए कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। बिल्कुल, इसमें अन्य कई लोगों का नाम है जिन पे भी हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी उनकी